Hello good people, welcome to Only Vocabs. So today is 7 December 2016 and we are going to discuss the vocabs of the Hindu. So let's begin. First word hamara hai charismatic. Charismatic means actually hota hai, suppose koi person hai like Amitabh Bachchan, to unke paas jo extraordinary qualities hai, extraordinary abilities hai, to uske extraordinary abilities aur extraordinary qualities ke liye अदर पीपल अट्रैक्ट होते हैं. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं अदर पीपल इस जो वाइट कलर के पे है इसमें ये सारे पीपल अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसे बोलेंगे क्रेजमेटिक. ओके तो क्रेजमेटिक मीन्स हो गया पोजिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटीज टू अट्रैक्ट. और इसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक, अट्रैक्ट, हिंदी में आप बोल सकते हैं करिश्माई, आकर्षक, मनमोहक. और क्रेजमेटिक को हम लोग याद रखने के लिए रिलेट कर सकते हैं करिश्मा से, करिश्मा कपूर बॉलीवुड मूवी हीरोइन जो अट्रैक्ट अदर्स. ओके फॉर एग्जांपल अम्मा वाज वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट क्रेजमेटिक पॉलिटिकल लीडर. नेक्स्ट वर्ड हमारा है एड्यू. एड्यू मीन्स एक्चुअली होता है, ये एक्चुअली फ्रेंच का वर्ड है, इसका मतलब होता है ये मोस्टली डेथ के केस में होता है, डेथ, फेयरवेल, फ्यूनरल, फेयरवेल. ओके जैसे लास्ट फेयरवेल ऑफ लाइफ, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं अम्मा का जो लास्ट फेयरवेल ऑफ लाइफ था उसमें बहुत सारे पीपल गैदर्ड हुए थे, वहीं का पिक्चर है ये. ओके तो एड्यू मीन्स हुआ ए गुड बाय, ए फेयरवेल और बाय, हिंदी में आप बोल सकते हैं विदाई, प्रस्थान. ओके एड्यू को हम याद रखने के लिए इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं एड्यू. एड्यू मतलब हो गया सी यू, एड्यू सी यू. ओके तो एड्यू सी यू, सी यू मीन्स बाय. ओके तो एड्यू सी यू ऐसे हम याद रखने के लिए इसे को रिलेट कर सकते हैं. For example, thousands had gathered to bid adieu to one of the country's most charismatic political leader. चलते हैं next word में. Next word हमारा है chant. Next word हमारा है chant. Chant means actually होता है, it is a type of song with a repetitive monotonous structure. Suppose हम लोग हरि ओम हरि ओम हरि ओम जो करते हैं वो एक तरह का chant हुआ. ये एक मॉनिटर साउंड है, ये हम बार बार इसे रिपीट करते हैं तो इसे बोलते हैं चैंट. जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, सपोज इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो जो ऑडियंस है वो इंडिया इंडियन प्लेयर को मोटिव करने के लिए, एनर्जेटिक करने के लिए तो इंडिया इंडिया के जो नारे लगाते हैं इंडिया इंडिया, तो उससे क्या वो एक तरह का चैंट हुआ, वो मोटिव करने के लिए चैंट कर रहे हैं. तो वो अब हम प्रे करने के लिए चैंट करें या मोटिव करने के लिए चैंट, तो वो एक तरह का चैंट ही हुआ. ओके तो चैंट मीन हुआ टू रिपीट और सिंग ए सॉन्ग और फ्रेज कंटिन्यूसली. और आप इसे बोल सकते हैं टू स्पीक मॉनोटोनसली, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं जाप करना, गुणगान करना. ओके फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ पीपल चैंटेड लॉन्ग लिव आवर रेवोल्यूशनरी लीडर. ये एक्चुअली अम्मा जिनका लास्ट फ्यूनरल हुआ था वहाँ पर चैंटिंग चल रहा था लॉन्ग लिव आवर रेवोल्यूशनरी लीडर. नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंप्लायंस. नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंप्लायंस. कंप्लायंस मीन्स एक्चुअली होता है व्हाट वी डू, सपोज आवर व्हाट आवर सोसाइटी विल वी डू. ओके तो उसे बोलेंगे कंप्लायंस. सपोज आवर डॉक्टर जैसे लीडर्स, पॉलिटिशियन, टीचर एक रूल के तहत, एक रूल रेगुलेशन के तहत जो काम करते हैं उसे बोलते हैं कंप्लायंस. सपोज एक इंजीनियर, ठीक है, तो इंजीनियर को एक प्रोजेक्ट मिला है तो जो उस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है, जो प्रोजेक्ट वो करना है, तो एक रूल होगा उस प्रोजेक्ट को करने, कितने दिन में करना है, कौन इस काम को पूरा कंप्लीट करेगा, तो उस रूल के तहत उसको जो काम करना है उसे बोलेंगे कंप्लायंस. मतलब उस रूल से वो बाहर नहीं जा सकता, उसे उस रूल के अंदर ही वो काम को पूरा कंप्लीट करना है. मतलब उस रूल को फॉलो हुए करते हुए उसको पूरा काम करना है उसे बोलेंगे कंप्लायंस. ओके हिंदी में आप बहुत सकते हैं अनुपालन या आज्ञा पालन करना, जो आज्ञा को पूरा फॉलो करके काम करें उसे बोलेंगे कंप्लायंस. तो कंप्लायंस मीन्स होगा एक्टिंग अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड और द एक्ट द एक्शन और फैक्ट ऑफ कंप्लाइंग विद विश और कमांड. ओके और हम कंप्लायंस को ऐसे याद रख सकते हैं कंप्लीट अलायंस. कंप्लायंस कंप्लीट अलायंस साउंड लाइक कर रहा है कंप्लीट अलायंस. और अलायंस मीन्स पता होगा जब पॉलिटिकल लीडर्स मिलते हैं, मतलब गठबंधन करते हैं उसे बोलते हैं अलायंस. ओके एंड देयरफॉर कंप्लीटली इनटू एग्रीमेंट एंड रेडी टू यील्ड. For example, compliance with law is expected of all. Okay. Next word हमारा है replicate.
रिप्लीकेट, रिप्लीकेट का मतलब एक्चुअली बहुत सारे मीनिंग है, बट इट इज़ इन्वॉल्व रिपीटिंग समथिंग, जिसको हम बार बार जिसका हम कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं रिप्लीकेट। एक बायोलॉजिकल सेंस में भी ये यूज़ होता है, बायोलॉजिकल सेंस मतलब बोल सकते हैं एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ समथिंग। जैसे क्रोमोजोम, हमने शायद बायो में आपने पढ़ा होगा, क्रोमोजोम दैट रिप्लीकेट देमसेल्फ, वो क्रोमोजोम अपने रिप्लीकेट मतलब टू कॉपी मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनते रहता है, उसे बोलते हैं रिप्लीकेट। और ये अनसाइंटिफिक सेंस में भी यूज़ होता है, समथिंग दैट डन अगेन एंड अगेन, जिस काम को हम बार बार कर रहे हैं, एग्जैक्ट कॉपी उसके बना रहे हैं, मतलब उसको और अच्छा बनाने के लिए या उस कॉपी को बार बार कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे रिप्लीकेट। जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, ये पहले ऐसा था, पहले ये जो LUAL लिखा है ऐसा था, जैसे ये बाद में ऐसा गया, तो ये टू कॉपी बना है, एग्जैक्ट कॉपी रिप्लीकेट हो रहा है। ओके, तो रिप्लीकेट मीन्स हुआ टू मेक और डू समथिंग अगैन इन एग्जैक्टली द सेम वे, और मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ और रिप्रोड्यूस, हिंदी में बोल सकते हैं दोहराने, प्रतिकृति। ओके, और रिप्लीकेट को हम ऐसे याद रख सकते हैं, रिप्लीकेट साउंड लाइक डुप्लीकेट, रिप्लीकेट डुप्लीकेट साउंड लाइक सिमिलर साउंड कर रहा है। ओके, और डुप्लीकेट मीन्स होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, तो रिप्लीकेट डुप्लीकेट सेम मीनिंग हो गया। और रिमार्क ऑन द सेम लाइन और रिप्रोड्यूस ऑफ समथिंग एल्स, और हम इसका एग्जाम्पल है सेल्स दैट रिप्लीकेट रैपिडली इन कल्चर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मीन्स एक्चुअली होता है एरिया, सपोज कोई एरिया विलेज है, एरिया दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी और टाउन, फार अवे फ्रॉम सिटी और टाउन, लाइक ये विलेज। ओके, ये जो पिक्चर में विलेज, ये फार अवे फ्रॉम सिटी एंड टाउन, ये तो ऑब्वियसली देखने से लग रहा है कि हाँ सिटी से बहुत दूर होगा, तो उसे बोलेंगे हिंटरलैंड। ओके, जहाँ ना सेलफोन का कनेक्शन हो, ना टेलीविज़न केबल हो, आर नॉट ग्रांटेड, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो उसे बोलेंगे हिंटरलैंड। और हिंटरलैंड मीन्स वो तब द रिमोट और लेस डेवलप पार्ट ऑफ ए कंट्री और एरिया ऑफ ए कंट्री दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी, हिंदी में आप बोल सकते हैं अंतरिक इलाके, अविकसित क्षेत्र। ओके, हिंटरलैंड एक्चुअली जर्मनी का वर्ड है, ये दो वर्ड से बना है, हिंटर प्लस लैंड, और जर्मनी में हिंटर का इंग्लिश में मीनिंग हुआ बिहाइंड, हिंटर मीन्स हुआ बिहाइंड प्लस लैंड, देन इट एक्चुअली रिफर्स टू द लैंड लाइंग इनलैंड और बिहाइंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल द हिंटरलैंड ऑफ साउथर्न इंडिया। सो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनमैश। इनमैश मीन्स एक्चुअली होता है उलझ जाना, फंस जाना, किसी चीज़ में फंस जाना, जाल में फंस जाना, उसे बोलेंगे इनमैश। जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, ये दो स्नैक है, ये अपने में उलझ गए हैं, फंस गए हैं, तो इसे बोलेंगे इनमैश। ओके, तो इनमैश का मतलब हुआ टू कैच और इन्वॉल्व someone in something unpleasantly or dangerous form which is difficult to escape. Okay, or to catch as in a net. तो enmesh का हम हिंदी में बोल सकते हैं जाल में फांसना, पकड़ना। Okay, enmesh, enmesh भी दो वर्ड से बना actually, enmesh, in plus mesh, ये दो etymology है, in एक अलग etymology है और mesh ये अलग etymology है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स दो तीन वर्ड्स को मिला के बनते हैं, तो उसे बोलते हैं एटमोलॉजी। जैसे यहाँ दो एटमोलॉजी, ईएन इन हो गया एटमोलॉजी और मैश हो गया एटमोलॉजी। तो इन का मतलब एक्चुअली में इसका मतलब है, मैंने तो कुछ कुछ वर्ड्स जो किया है वो याद रखने के लिए मैंने इसे रिलेट करके याद रखा है, बट ये जो इन मैश है ये एक्चुअली में इसका मतलब यही है। इन का मतलब हो गया विथ इन एंड इन, एंड मैश का मतलब हो गया वेब और नेट। ये वेब WW वाला वेब नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब वाला, ये वेब है मकड़ी का जाल या रस्सी का जाल, उसे बोलेंगे वेब और नेट। तो इनमैश हो गया विथ इन ए वेब और नेट, मतलब फंस जाना। फॉर एग्जांपल वेल्स इनमेस्ड इन डिफ नेट्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पैट्रियार्क। पैट्रियार्क मीन्स होता है मेल लीडर, मतलब जहाँ पुरुष लीडर हो उसे बोलते हैं मेल, उसे बोलते हैं पैट्रियार्क। ओके, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं एक राजा है, ये किसी एरिया का राजा होगा, तो उसे बोलते हैं पैट्रियार्क। Like your father might be the patriarch of your family, okay? तो patriarch means हो गया the male leader, the male head of a family or tribal line, a man who rule a family, clan or tribe. आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं कुलपति। ओके, और patriarch को हम याद रखने के लिए
पेट्री प्लस आर्क। देखिए मैंने बताया ना पहले एटमोलॉजी, तो कुछ कुछ वर्ड्स एटमोलॉजी से बने हैं तो हम उसे एटमोलॉजी से याद रख रहे हैं, बट ये पेट्रियार्क है, ये जो इसका पेट्री का मैंने फादर रखा है, तो ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मैंने बस इसे याद रखने के लिए आपके मतलब दिमाग में वो सेट हो जाए इसीलिए मैंने इसको इसे कोरिलेट करके याद रखने के लिए। कुछ वर्ड्स टफ होते हैं तो अगर हम वो किसी वर्ड से उसको रिलेट करके याद रखते हैं तो हमारे दिमाग में सेट और फिक्स हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादा देर तक याद रहते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको कोरिलेट ही बस किया है। तो ओके तो ये पेट्रियार्क मीन्स हो गया पेट्री प्लस आर्क मैंने किया, तो पेट्री मीन्स फादर एंड आर्क मीन्स रूलर, आर्क मीन्स रूलर एक्चुअली में होता है, तो आर्क मीन्स रूलर। ओके तो पेट्रियार्क मीन्स हो गया ए मेल लीडर। ओके और पैट्रिकल सोसाइटी, ओके पेट्रियार्कल सोसाइटी होता है मीन्स सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मेल, जहाँ मेल लीडर हो उसे बोलते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, जैसे इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो ए पैट्रिकल सोसाइटी। ओके नेक्स्ट वर्ड हमारा है कस्प। कस्प मीन्स एक्चुअली होता है जहाँ दो कर्व मिलते हैं, सपोज वे आर टू कर्व्स मीट, वहाँ वो उसको बोलते हैं कर्व्स। ओके जैसे यहाँ ये चांद है, तो ये चांद का ये लाइन और ये लाइन, ये जो यहाँ नोक पे मिल रहा है इसे बोलते हैं कर्व्स। ओके कर्व्स ए पॉइंट एंड वेयर टू कर्व मीट और पॉइंट फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग टू आर्क, हिंदी में आप बोल सकते हैं नोक। और कर्व एक्चुअली लेटिन वर्ड है, ये लेटिन वर्ड कस्पस से बना है, कस्पस मीन्स पॉइंट। यू विल सी लॉट ऑफ कर्व्स इन ए गोथिक चर्चेज, ए पॉइंट वेयर टू आर्क मीट और वेयर डेकोरेटिव कर्व्स मीट टू फॉर्म ए पॉइंट, जहाँ मतलब डेकोरेशन के लिए वैसा कुछ डेकोरेटिव चीज़ बनता है तो उससे वो होगा, मतलब उसको बोलेंगे कर्व्स, कर्व्स। ओके फॉर एग्जांपल तमिलनाडु पॉलिटिक्स ऑन द कर्व्स ऑफ चेंजेस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिफाइंस। डिफाइंस मीन्स एक्चुअली होता है किसी को ललकारना, जैसे लड़ने के लिए ललकारना, जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी चल रहा है। ओके जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये दोनों फाइट करने के लिए ललकार रहे हैं। ओके तो कर्व्स डिफाइंस का मतलब हुआ ए चैलेंज टू मीट इन कॉम्बैट और इन कॉन्टेस्ट, और इसे बोल सकते हैं बोल्ड रेसिस्टेंस अगेंस्ट एन ओपनिंग फोर्स और अथॉरिटी, हिंदी में बोल सकते हैं ललकार, चुनौती। ओके और डिफाइंस को हमें याद रखने के लिए डी फाइंस, तो हम फाइंस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रिजम्बल फ्योन्से बिफोर मैरिजिंग, फ्योन्से जनरली रेसिस्ट और रिफ्यूज टू येल्ड आवर एडवांसेज, फॉर एग्जाम्पल इंगेज्ड इन एक्ट ऑफ डिफाइंस अगेंस्ट द रेजिम। So that's it for now. If you find this video helpful, please like and subscribe to our YouTube channel. Thanks.